सीएमआर में आज शाम 7 बजे गहलोत कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी। बैठक में कई अहम मुद्दे हैं जिस पर मुहर लग सकती है। खास ओबीसी आरक्षण वाला मुद्दा, ओबीसी आरक्षण विसंगति का मुद्दा। कैबिनेट में गहलोत सरकार आज इस पर अहम फैसला ले सकती है। हालांकि गहलोत कैबिनेट की बैठक कल ही होनी थी, लेकिन कल कैबिनेट बैठक को स्थगित कर दिया गया था। आज बैठक बुलाई गई है। ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर सीएम गहलोत ने कहा है कि कुछ लोग इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इस मामले में किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। गहलोत के आज के बयान से लगता है कि सरकार पिछली बीजेपी सरकार के समय यानी 2018 में जारी सर्कुलर को वापस लेने का मन बना चुकी है। कैबिनेट की बैठक में ओबीसी आरक्षण पर फैसला होना तय माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि पूरे देश में 16 राज्य और केंद्र के अंदर ओबीसी आरक्षण का जो फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू होगा। नौजवानों की मांग भी वाजिब है, क्योंकि जो मांग उनकी है वो टेक्निकली गलती हुई है, पिछली गवर्नमेंट से हुई है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और हमने पूरा सर्वे करवाया पूरे देश के अंदर 16 राज्यों के अंदर और केंद्र के अंदर। जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लागू राजस्थान में भी होगा। हम चाहेंगे कि कैबिनेट डिस्कशन करें आपस के अंदर और फैसला करें हम लोग। और अन्याय उनके साथ में किसी रूप में नहीं होगा। ये कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, वो भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। ओबीसी के नौजवानों के हित में और पूर्व सैनिकों के हित के अंदर प्लीज़ आप इस मुद्दे को इस प्रकार नहीं बनाएं कि जातिगत मुद्दा बन जाए। ये कोई राजपूत और जाटों का मुद्दा नहीं है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।